नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 जो हमारी बॉटनी का लास्ट चैप्टर है उसका नाम है जैव ऊर्जा का पार्ट 1 शुरू करने हैं। इस वीडियो में हम जैव ऊर्जा के स्रोतों यानी जैव भार, कास्ट, गोबर और गोबर गैस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में गोबर गैस संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और साथ ही साथ यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपकी और हमारी यानी बायो गुरु फैमिली ग्रोथ कर सके। सबसे पहले हम ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रकृति में बदलाव आ रहा है, मानव जीवन में भी सुधार आ रहा है और मानव जीवन जब सुधार कर रहा है, मानव सुधार कर रहे हैं तो मानव में जो ऊर्जा की खपत है वो उसके मस्तिष्क में लग रही है, ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। तो मानव को ऊर्जा प्राप्त करनी होती है क्योंकि ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। तो ऊर्जा जो है वो दो तरीके से प्राप्त की जाती है, एक तो प्राप्त की जाती है नवीकरणीय स्रोतों से और एक प्राप्त की जाती है अनवीकरणीय स्रोतों से। ये क्या होते हैं, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है यानी उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है उन्हें तो हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और जिनका निर्माण वापस से नहीं हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। विश्व में जितनी भी ऊर्जा बनाई जाती है उसमें से जो अनवीकरणीय ऊर्जा है वो 82% बनाई जाती है और 18% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी यदि कोई मानव 100 जूल ऊर्जा खर्च करता है, 100 जूल ऊर्जा बनाता है तो वो कहां से लाता है, 82% तो अनवीकरणीय और 18% नवीकरणीय। यानी नवीकरणीय जो ईंधन है जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उनका तो उपयोग कम हो रहा है, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, जिनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है वो एक दिन लुप्त हो जाएंगी, उनका उपयोग ज्यादा किया जाता है, 82% किया जाता है। तो इनके टॉपिक बना लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें पहला हम ले लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो इसकी एक विशेषता हो गई कि इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये एक दिन पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। और अभी हमने बताया कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, विश्व में जितनी भी ऊर्जा खर्च की जाती है उसमें से 82% अनवीकरणीय ऊर्जा है, और इसमें भी 82% में भी जो 76% है वो जीवाश्मीय ईंधन के द्वारा यानी जीवों से निर्मित जो ईंधन होता है जैसे कोयला। कोयला किससे बना होता है, पेड़ पौधों से बना होता है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पहले जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई थी तो पेड़ पौधे जो है वो भूमि में नीचे दब गए थे जिसके कारण कोयलों का निर्माण हुआ था, उसके साथ ही पेट्रोलियम। ये जो ऊर्जा स्रोत हैं ये कैसे है, इनसे जो प्राप्त ऊर्जा है उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जबकि नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का हम नवीकरण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं यानी उसका पुनर्निर्माण संभव है। यानी ऐसी ऊर्जा जिसका पुनर्निर्माण संभव है उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। जैसे सौर ऊर्जा को हमने एकत्रित कर लिया तो जब वो नष्ट हो जाती है, पूरी बैटरी खत्म हो जाती है, उसके बाद में हम इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं यानी सौर
ऊर्जा से, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। तो ये कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके साथ ही पवन बिजली, ज्वारीय ऊर्जा यानी पवन से प्राप्त जो बिजली होती है, पवन ऊर्जा या पवन बिजली कहते हैं उसे, जो पवन चक्कियां होती हैं उनके द्वारा जो बिजली निर्मित की जाती है उसे हम पवन बिजली कहते हैं, उसका भी नवीकरणीकरण दोबारा संभव है। और ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, इसका भी निर्माण पुनः किया जा सकता है, यानी ये भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसके साथ ही जैव ऊर्जा, अब पढ़ेंगे हम जैव ऊर्जा के बारे में कि जैव ऊर्जा किसे कहते हैं। जैव ऊर्जा, हमारा पाठ का नाम भी यही है, जैव ऊर्जा। तो हमारा जो इस टॉपिक में हम सबसे पहले तो हम जैव ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैव ऊर्जा के स्रोत। जैविक स्रोतों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, नाम से पता चल रहा है जैव ऊर्जा, जैविक स्रोतों से या फिर जैव भार से। तो ये आसान टॉपिक है, इसे आपको याद करना है, इसमें समझने का कुछ है नहीं, इसमें आपको परिभाषाएं याद करनी है कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इनके उदाहरण क्या है। तो ये आपको याद करना है, इसमें समझने का कुछ है नहीं। जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? जैव भार या जैविक स्रोतों से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। अब ये जैव भार क्या होते हैं? जैविक स्रोत तो कोई भी हो सकते हैं, जैव भार का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पदार्थ बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, हमें पता है कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? ग्लूकोज C6H12O6। ये जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं इन्हें हम जैव भार कहते हैं, या फिर जैव भार की परिभाषा हम ये भी समझ सकते हैं कि संपूर्ण सजीव जगत जो है वो जैव भार है। संपूर्ण जीव जगत का जो भार है वो क्या है? जैव भार है। अब संपूर्ण जीव जगत और प्रकाश संश्लेषण कहां संबंधित है? तो ये जो संपूर्ण जीव जगत है, चाहे कोई भी हो, जैसे हम मानव ले लेते हैं, मानव तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है। तो अभी हमने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उन्हें हम जैव भार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मानव भी सम्मिलित है। तो ये मानव सम्मिलित क्यों है? हम जो मानव जो भी भोजन करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं? कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, पादपों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो मानव के अंदर भी कार्बनिक पदार्थ हुए तो वो कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव भार कहलाते हैं। ये जो जैव ऊर्जा है, अभी हमने बात की थी, जैव ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी इसका पुनर्निर्माण संभव है, इसका हम दोबारा से निर्माण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। इस कारण ये एक उपयोगी योग्य है क्योंकि ये सस्ती होने के साथ साथ नवीकरणीय यानी इसका पुनर्निर्माण संभव है। तो जब ये खत्म हो जाएगी तो हम इसका पुनर्निर्माण कर लेंगे, यानी इसका नवीनीकरण कर लेंगे। तो ये सस्ती होने के साथ नवीनीकरण भी है और साथ ही साथ इसे स्थानीय स्तर पर भी उत्पन्न किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? मानव के द्वारा, जैसे हम मानव के द्वारा ही ले लेते हैं, तो मानव के द्वारा जो मलमूत्र त्यागे जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ त्यागे जाते हैं, कचरा और जो घरों से निकलता है जो कार्बनिक कचरा होता है उससे हम क्या कर सकते हैं? जैव ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बनते रहते हैं तो इससे हम जैव ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। जब जैव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इससे वापस से प्राप्त कर लेते हैं। तो जैव ऊर्जा कैसी हो गई? नवीकरणीय ऊर्जा हो गई। इसके साथ ही इसका एक और लाभ है कि जब हम अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से जब हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जैसे कोयले से हम ऊर्जा निर्मित करते हैं, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में CO2 और SO2 रिलीज होती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जब हम जैविक ऊर्जा से, जैव भार से जब हम जैव ऊर्जा बनाते हैं तो यहाँ पर CO2 और SO2 बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो इस तरह से ये पर्यावरण हितैषी है, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
इसकी जो कच्ची सामग्री है यानी जिससे जैव ऊर्जा निर्मित होती है यानी जैव जो भार है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है, जिससे आसानी से प्राप्त होने से हम आसानी से जैव ऊर्जा बना लेते हैं। यही तो कारण है कि जैव ऊर्जा की जो निर्माण की विधि है वो बहुत सस्ती है, क्योंकि उसमें जो कच्चा पदार्थ होता है वो आसानी से मिल जाता है। ये हो गई हमारी जैव ऊर्जा और जैव ऊर्जा की उपयोगिताएं। तो अगला टॉपिक है हमारा जैव ऊर्जा के स्रोत। इसमें पहला है जैव भार, यानी हम जैव ऊर्जा को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें पहला है जैव भार, यानी जैव भार के द्वारा हम जैव ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। जैव भार किसे कहते हैं? वह भार जो कार्बनिक पदार्थों का होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनका भार क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। और जैव भार ये जो कार्बनिक पदार्थ है इनसे जो ऊर्जा निर्मित की जाती है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के किरण की उपस्थिति में होती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तब प्रकाश संश्लेषण होता है और उसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें से केवल 0.2% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, यानी जो 99.8% होती है वो तो सूर्य की ऊर्जा व्यर्थ जाती है, बाकी की जो 0.2% है वो प्रकाश संश्लेषण में जाती है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यानी सूर्य की जो किरण आती है उसका केवल 0.2% ही कार्बनिक पदार्थों में जाता है और उन कार्बनिक पदार्थों को सभी सजीव उपयोग में लेते हैं। तो एक प्रकार से सभी जो सजीव होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? सूर्य की जो 0.2% जो प्रकाश की किरण की जो ऊर्जा है उसे सजीव उपयोग में लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य में कितनी ऊर्जा होगी। सूर्य में अत्यंत ऊर्जा होती है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं ये कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं, यानी एक बार नष्ट हो गए कार्बनिक पदार्थ, जैसे फल का निर्माण हुआ तो किसी फल को कोई सजीव ग्रहण कर लिया तो वो फल ऐसे तो नहीं है कि दोबारा फल नहीं लगेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होगी तो दोबारा फल लगेंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ दोबारा बनेंगे, जैव भार दोबारा बनेगा और जैव भार से जो ऊर्जा निर्मित होगी वो भी दोबारा होगी। यानी जैव भार जो है वो नवीकरणीय है, यानी इनका पुनर्निर्माण संभव है और इससे जो जैव ऊर्जा बनती है उसका भी नवीकरणीकरण संभव है। तो इस तरह से हम जैव भार द्वारा यानी नवीकरणीय भार द्वारा हम नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जैव ऊर्जा। अब जैव भार के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी के अवशेष, फलों के अवशेष और पादपों के जो अवशेष होते हैं, गोबर आदि, ये किसमें आते हैं? जैव भार के अंतर्गत आते हैं, यानी उन कार्बनिक पदार्थों से हम जैव ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। जैव ऊर्जा के स्रोत में अगला है कास्ट, यानी कास्ट के द्वारा भी हम जैव ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। ये जो दूसरा स्रोत है कास्ट, ये पहले स्रोत के समान ही, यानी कास्ट क्या होती है? पादप के द्वारा जो लकड़ी प्राप्त होती है, पादप की लकड़ी होती है उसे हम कास्ट कहते हैं और पादप की जो लकड़ी होती है वो कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है, यानी जैव भार के समान ही हो गया। तो ये जो कास्ट है वो एक प्रकार का जैव भार ही है। तो जब हम कास्ट के द्वारा ऊर्जा निर्मित करते हैं उसे भी हम जैव ऊर्जा कहते हैं। ये भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, यानी जब लकड़ी को हम काट लेते हैं, पादप की लकड़ी को, तो ऐसा तो नहीं है कि पादप की लकड़ी दोबारा नहीं होगी, तो पादप की लकड़ी दोबारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बाद में जब लकड़ी उत्पन्न होगी तो उसे भी हम जला लेंगे, यानी कास्ट के रूप में उपयोग में ले लेंगे और जैव ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो जैव ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा, यानी इसका पुनर्निर्माण संभव है। अब बात आती है कि और भी जैव भार के अंतर्गत और भी अन्य पदार्थ आते हैं तो हम उनका उपयोग क्यों नहीं लेते जैव ऊर्जा के अंतर्गत? क्योंकि जो कास्ट है वो हमें आसानी से प्राप्त होता है, वन में चले जाओ वहां पर आसानी से प्राप्त होता है। इसके कारण क्या होता है? आसानी से प्राप्त होता है तो
ये नवीकरणीय है, यानी एक बार जब वृक्ष से लकड़ी ले ली तो वो वृक्ष पुनः उत्पन्न होगा, और वो पुनः उत्पन्न होगा तो उसे पुनः हम लकड़ी प्राप्त करके जैव ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, यानी ये कैसा है, नवीकरणीय है। तो ये इसका दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है कि और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, लेकिन जो कास्ट होता है उसमें 99% भाग जो होता है वो ज्वलनशील होता है, इसके कारण हम इसे जैव ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेते हैं। और ये जो कास्ट होती है, अभी हमने बताया कि ये पादप की लकड़ी होती है, तो पादप की बहुत सारी लकड़ी होती है, अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है, उनसे जो प्राप्त लकड़ी होती है वो भी एक प्रकार की कास्ट होती है, लेकिन जो उत्तम कास्ट होती है उससे ही हम 99% भाग ज्वलनशील पदार्थ ले सकते हैं। उत्तम कास्ट कौन कौन सी होती है, जैसे देसी बबूल, अंग्रेजी बबूल, सिरस, जामुन, खेजड़ी, आम, सिलाई और बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनसे हम उत्तम कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उत्तम कास्ट होती है उसकी विशेषताएं होती हैं कि वो जलाने पर अधिक मात्रा में अधिक ऊर्जा देता है, यानी कुछ तो ऐसी लकड़ियां होती है जिन्हें जलाने पर कम ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो उत्तम कास्ट है उसे हम जलाते हैं तो उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसकी दहन क्षमता यानी जलने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, यानी ये अधिक समय तक जलता है। कुछ ऐसी लकड़ियां होती है कि कुछ समय के लिए ही जलती है, लेकिन कुछ ऐसी लकड़ियां होती है यानी जो उत्तम कास्ट होती है उसमें ये क्षमता पाई जाती है कि उसकी दहन क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा उत्तम कास्ट की एक और विशेषता होती है कि जब हम इसे जलाते हैं उत्तम कास्ट को, तो ये जो लकड़ी है यानी इसका कोयला है ये फटता नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें वो लकड़ी फटने लग जाती है, तो उत्तम कास्ट जो होती है वो फटती नहीं है। और जब फटती है कोई भी लकड़ी, यदि हम जलाने पर फटती है तो उसे और जलाएंगे तो वो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, लेकिन उत्तम कास्ट में जब हम जलाते हैं उत्तम कास्ट को तो उसमें वो लकड़ी फटती नहीं है, तो वो लकड़ी फटती नहीं है तो उसके टुकड़े नहीं बनते। यानी उत्तम कास्ट की विशेषता होती है कि जब हम उसके जलाते हैं तो उसके टुकड़े नहीं बनते हैं। जलाने पर कम धुआं देती है और ये जो धुआं होती है इसमें दुर्गंध नहीं होती है, और इसमें यानी जो उत्तम कास्ट है इसमें रेजिन और नमी कम पाई जाती है, यानी ये सूखी लकड़ी होती है। जैव ऊर्जा का अगला स्रोत है गोबर या गोबर गैस। हमारे देश भारत में 70% से अधिक जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है, और गांवों में पाले जाते हैं पशु, यानी वहां पर पशु पालन किया जाता है, और उनके गोबर से कंडे प्राप्त किए जाते हैं और कंडों को हम जलाते हैं और जैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इसका सदुपयोग ये होता है कि गांव में जो पशु पाले जाते हैं उनसे जो गोबर प्राप्त किया जाता है उस गोबर को हम किण्वन करवाते हैं, यानी जो कार्बनिक पदार्थ, गोबर कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थों का हम किण्वन कराते हैं। किण्वन किसके द्वारा कराते हैं, जीवाणुओं के द्वारा हम कार्बनिक पदार्थों का किण्वन कराते हैं, और उस किण्वन से बायोगैस निकलती है, और बचा हुआ जो अवशेष है उसे हम कार्बनिक खाद कहते हैं जो खेतों में उपयोग लिया जाता है। ये जो किण्वन की क्रिया होती है, जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की किण्वन की जो क्रिया होती है ये एक संयंत्र में होती है जिसे हम कहते हैं गोबर गैस संयंत्र। इस संयंत्र में एक बायोगैस टैंक होता है जिससे बायोगैस उत्पादित की जाती है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ यानी गोबर पशुओं के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे यहाँ पर भर दिया जाता है इस टैंक में। ये छोटा टैंक है, इस टैंक में भर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो गोबर है वो चला जाता है बायोगैस जो टैंक है वहां पर, यानी जहां पर बायोगैस निर्मित होती है वहां पर चला जाता है।
अब यहां पर जाने के बाद में यहां पर एक जीवाणु डाला जाता है, वो जीवाणु कैसा होता है, यहां पर जीवाणु डाला जाता है वो जीवाणु अवायवीय होता है, यानी वायु की उपस्थिति में किण्वन नहीं करता है, अवायवीय विकल्पी जीवाणु होता है। ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है, यानी कार्बनिक पदार्थों का किण्वन करता है। अब यहां पर ये जो अविकल्पी अवायवीय विकल्पी जीवाणु है, ये क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ यानी गोबर का किण्वन करता है। यानी इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ बड़े होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है, इन कार्बनिक पदार्थों को ये जीवाणु क्या करते हैं, छोटे करते हैं, यानी जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, और इससे जो ऊर्जा निर्मित होती है उस ऊर्जा को स्वयं उपयोग में ले लेते हैं। यानी इन बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया, और ये छोटे छोटे अणुओं में बदलने की जो क्रिया है, यहां पर ऊर्जा निर्मित होती है, इस ऊर्जा को ये जीवाणु ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही यहां पर एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस यहां पर भर जाएगी, जैसे यहां पर जीवाणु जब किण्वन करेंगे तो बायोगैस निकलेगी, और यहां पर बायोगैस भर जाएगी ऊपर टॉप में, क्योंकि जो गैस होती है उसकी प्रकृति होती है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, यानी प्रकाशानुवर्तन क्रिया करती है, सॉरी प्रकाशानुवर्तन गति करती है, यानी प्रकाश की ओर यानी ऊपर की ओर गति करती है, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी गुरुत्वीय बल नीचे लगता है लेकिन ये ऊपर जाती है, तो ये कैसी होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। उसके बाद में ये जो जीवाणु है, इनके द्वारा जो सरल कार्बनिक अणु बने हैं, कार्बनिक पदार्थ बने हैं, ये आ जाते हैं इस वाले टैंक में यहां पर, और यहां से हम इसे कार्बनिक खाद के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में बदले जाते हैं उन्हें हम कार्बनिक खाद कहते हैं। तो कार्बनिक खाद यहां पर निर्मित होती है, और ये जो बायोगैस भरी हुई है बायोगैस टैंक में, ये वाली जो बायोगैस भरी हुई है इसे हम निकाल लेते हैं। यहां पर एक निकास नली देंगे और इसे हम उपयोग कर लेंगे घरों में, बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे इसका उपयोग हम कुकिंग में भी कर सकते हैं, लाइटनिंग में भी कर सकते हैं, और भी अन्य कार्य हैं जिनके द्वारा हम बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं। इस बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है, और उसके अलावा CO2 होती है। ये CO2 कितनी होती है, 31% मात्रा होती है। यदि इस CO2 की मात्रा कम कर दी जाए तो इसकी ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, क्योंकि ऊष्मा जो प्राप्त की जाती है वो मीथेन के द्वारा की जाती है, और जब हम CO2 की मात्रा कम कर देते हैं, प्रतिशत मात्रा कम कर देते हैं, तो मीथेन की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है, और जब मीथेन बढ़ जाता है तो वहां पर जो उसका ऊष्मीय मान होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है।